बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर वन, फॉर टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन वी ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो फाइनल रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। नंबर टू, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। तो कुछ स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास है और उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 1% है। द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। अब हमने बताना है कि जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो स्फीयर के वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वी इक्वल टू 4/3 πr³। अब इसमें रेडियस की पावर हमारे पास 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, जो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखें कि रेडियस में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ रेडियस दैट इज 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास वॉल्यूम में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट हमारे पास द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। तो अब हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है उसमें जो रेडियस है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। तो फिर इसके लिए यही है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला है हमारे पास वो 4/3 πr³ है। अब रेडियस की पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्यों कि रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारे पास आएगा 6। तो 6 है हमारे पास वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नंबर 4, फॉर टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन वी ऐड। तो हम किसको ऐड करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास हो रही हो तो फाइनल रिजल्ट के लिए हम किसको ऐड करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 6%। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ वर्क पावर टू वर्क इज। अब हमने बताना है कि पावर और वर्क दोनों की डायमेंशंस की रेशियो हमारे पास क्या हो। इसके लिए पहले हम इनके यूनिट्स को देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसके यूनिट्स है हमारे पास जाउल्स पर सेकंड, और जो वर्क है उसके यूनिट्स हमारे पास है जाउल। अब इन दोनों की रेशियो निकालें तो हमारे पास पर सेकंड आता है, ठीक है। तो अब इसको जब डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास, तो 1 और ये टी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ये ए, कि रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ पावर टू वर्क इज 1 और ये टी। तो ये दोनों की डायमेंशंस की रेशियो है। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर। अब हमने बतानी है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस हमारे पास है ये, जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। तो ये किस तरह से है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी है वी ओवर आर। अब इसके यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर रेडियस के यूनिट हैं मीटर, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट आ गए हमारे पास पर सेकेंड, तो
अब इसके जो डायमेंशन हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ये तो दिस इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। अब हमने बतानी है कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस कौन सी हैं। तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। अभी डायमेंशन किस तरह से हैं, सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को देख लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एल इक्वल टू आर पी, ठीक है, आर एम वी, ये लीनियर मोमेंटम। अब पहले इसके यूनिट्स हम लिख लेते हैं, तो रेडियस के लिए मीटर और मास के लिए केजी और इसके लिए मीटर पर सेकंड। तो ये एंगुलर मोमेंटम के यूनिट हो गए मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड। अब इसके जब हम डायमेंशंस लिखेंगे केजी मास के लिए, जी लेंथ और टाइम, दीज आर डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास ये बी ऑप्शन। तो ये किस तरह से है, तो फोर्स के यूनिट सबसे पहले लिख लें न्यूटन। तो कैसे हम करेंगे, अब हमारे पास फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जब ये डायमेंशंस लिखेंगे, तो डायमेंशंस हमारे पास केजी फॉर मास, लेंथ और ये टाइम है, तो फोर्स के डायमेंशंस ये होंगे हमारे पास। तो पहले यूनिट्स लिख लें तो फिर डायमेंशंस लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये फोर्स के डायमेंशन। अब हमारे पास है विच पेयर हैज सेम डायमेंशंस, हमें बताना है किस पेयर के डायमेंशन हमारे पास सेम है। तो मोमेंटम एंड इम्पल्स, इनके डायमेंशन हमारे पास सेम होते हैं। तो कैसे होते हैं, इसको हम ड्राइव कर लेते हैं, मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब हमारे पास जो मोमेंटम है इक्वल टू एम वी, और सबसे पहले इसके यूनिट्स हम निकालें केजी मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम के जो डायमेंशंस हैं मास लेंथ, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। अब जो इम्पल्स है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब इम्पल्स के यूनिट बनेंगे न्यूटन सेकेंड, अब न्यूटन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड। तो इम्पल्स के यूनिट हमारे पास बने केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको डायमेंशंस में कन्वर्ट करें तो मास लेंथ और ये टाइम। अब ये देखें कि यही यूनिट डायमेंशंस मोमेंटम के हैं और यही डायमेंशन हमारे पास इम्पल्स के हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए आसान तरीका हमारे पास यही है कि सबसे पहले हम यूनिट्स लिख लें, यूनिट्स लिखने के बाद डायमेंशंस लिखना आसान हो जाता है। तो केजी के लिए इस तरह से कैपिटल एम लिखते हैं, एम फॉर मास, और ये मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का, जो भी उसकी पावर होती है उसको लिख देते हैं, और फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशंस, तो इसका आंसर हमारे पास है मोमेंटम एंड इम्पल्स।
क्योंकि वर्क एंड पावर, फोर्स एंड टॉर्क, टॉर्क एंड पावर, इनके जो डायमेंशंस है वो चेंज हैं।